ईडी सीबीआई बंद होना चाहिए, इनकम टैक्स है तो अखिलेश यादव ने कह दी बड़ी बात। एसपी यानी समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव कई केंद्रीय जांच एजेंसियों को बंद करना चाहते हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि सीबीआई की जरूरत ही क्या है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जाँच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने साफ कर दिया है कि सपा का कांग्रेस में कभी विलय नहीं होगा, लेकिन समर्थन देना जारी रहेगा। सोमवार को पांचवें चरण का मतदान होना है, जिसमें अमेठी और रायबरेली जैसी हाई प्रोफाइल सीटों पर भी मतदान होगा। वहीं बातचीत में अखिलेश ने कहा कि सीबीआई और ईडी बंद होने चाहिए। अगर आपके साथ धोखा हुआ है तो उससे निपटने के लिए आयकर विभाग है। आपको सीबीआई की जरूरत क्या है? जरूरत पड़े तो हर राज्य में एंटी करप्शन विभाग है। उन्होंने कहा कि उनका इस्तेमाल अगर सरकार बनानी है, गिरानी है तो होता है। तो उन्होंने सवाल किया है कि एजेंसियों ने नोटबंदी के दौरान गलत क्या हुआ, इसकी जांच क्यों नहीं की। अखबार से बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि ये मेरा प्रस्ताव है और मैं इसे इंडिया गठबंधन के सामने रखूंगा। उन्होंने चुनाव के बाद भी कांग्रेस के साथ गठबंधन जारी रहने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अलायंस चलेगा, चलाएंगे और जब भी चुनाव आएगा ये होगा, लेकिन अभी हमारे प्रयास सरकार बनाने के लिए है। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ प्रचार किया। राहुल रायबरेली सीट से मैदान में है। इसके अलावा वे केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं। अटकलें थी कि पार्टी राहुल को फिर अमेठी से मैदान में उतार सकती है, लेकिन कांग्रेस ने केएल शर्मा को टिकट दिया है। इधर रायबरेली से सांसद रही सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा का रुख कर चुकी हैं। कांग्रेस में नहीं होगा विलय, अखिलेश ने वरिष्ठ नेता और विपक्षी गठबंधन इंडिया के सदस्य शरद पवार के बयान को लेकर कहा कि क्षेत्रीय दल हमेशा मौजूद रहेंगे और कांग्रेस को हिम्मत देंगे। दरअसल पवार ने कहा था कि आने वाले महीनों में क्षेत्रीय दल कांग्रेस के करीब आएंगे और कुछ कांग्रेस में विलय भी कर सकते हैं। अखबार के मुताबिक जब पूछा गया कि कुछ क्षेत्रीय दलों के कांग्रेस में शामिल होने की संभावनाएं कितनी है, तो इस पर यादव सीधे जवाब देने से बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी कभी विलय नहीं करेगी। अमेठी में भी बगैर सपा के चुनाव हो रहा है क्या? पर एक और 11 हो गए और बीजेपी हो जाएगी 9-2-11। क्षेत्रीय दलों की तरफ से तीसरा मोर्चा बनाने की संभावनाओं पर उन्होंने कहा कि आप नहीं जानते कि कब क्या हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी राजनीति में भाजपा विरोधी और कांग्रेस विरोधी ताकतें हमेशा रहेंगी।